दोस्तों आपको दूरदर्शन पर आने वाला शो श्रीमान श्रीमती के दिलरुबा जी याद है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वही दिलरुबा जी की यानी राकेश बेदी के जिंदगी के बारे में। राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ था। उनके पिता का नाम मदन गोपाल बेदी है जो इंडियन एयरलाइंस में एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूगंज से की है। राकेश बेदी को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। वो स्कूल में हर कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करते थे और साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था। राकेश बेदी के पिता चाहते थे कि वो उन्हीं की तरह इंजीनियर बने। वो चाहते थे कि राकेश बेदी IIT में पढ़ाई करके माइनिंग इंजीनियर बने। हालांकि उन्होंने राकेश के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। राकेश भी अपने पिता का दिल दुखाना नहीं चाहते थे और 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की। IIT दिल्ली में उनका एंट्रेंस टेस्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होना था। जैसे ही राकेश के हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो उन्हें उनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर आता था। उन्हें मन ही मन पता चल गया कि वो इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं और बिना कोई वक्त गवाए वो एक क्वेश्चन का आंसर देके महज 3 मिनट में एग्जामिनर को आंसर शीट लौटा दी। जब एग्जामिनर ने हैरानी से उनको पूछा तो राकेश ने जवाब दिया, सर मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे वापस अपने ड्रामा रिहर्सल में जाना पड़ेगा, और वो एग्जाम छोड़कर लौट गए। इसके बाद उन्होंने पूरा मन लगा के नाटकों में काम करना शुरू कर दिया और अपने ही जैसे कुछ कलाकारों के साथ मिलकर अपना एक थिएटर ग्रुप चलाना शुरू कर दिया। ये सभी कलाकार पैसे जमा करके अपना थिएटर ग्रुप चला रहे थे और जब वो मंच पर अभिनय करते थे तो हर तरह के काम उन्हें और उनके साथियों को खुद ही करने पड़ते थे। जैसे उन्हें खुद ही अपने पोस्टर रात में दिल्ली में चिपकाने पड़ते थे। ऐसा ही एक बार राकेश अपने साथियों के साथ दिल्ली में पोस्टर चिपका रहे थे और अचानक ही पुलिस की जीप आ गई और उन्होंने राकेश और उनके साथियों को पकड़ लिया। पुलिस को लगा कि ये किसी अलग वजह से पोस्टर चिपका रहे हैं और कड़ी पूछताछ करना शुरू किया। राकेश बेदी ने पुलिस को बताया कि वो अपने आने वाले नाटक का पोस्टर लगा रहे हैं और क्योंकि उनके पास पैसे कम है इसलिए ये काम उन्हें खुद ही करना पड़ रहा है। तब जाकर पुलिस वालों ने उन्हें और उनके साथियों को छोड़ा था। राकेश बेदी ने नाटकों के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और दिल्ली के भगत सिंह कॉलेज में BCOM में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में भी वो कई कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते थे लेकिन उनके पिता राकेश के फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित थे। तब राकेश बेदी ने नाटकों से निकलकर प्रोफेशनल एक्टिंग में जाने का फैसला किया। राकेश बेदी ने फैसला किया कि वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे और उनका एडमिशन वहाँ हो गया। राकेश बेदी को लगा कि उनको FTI में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उनके पास दिल्ली का थिएटर का एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन ये उनकी एक गलतफहमी थी। उन्हें ये एहसास हुआ कि वो एक्टिंग में अभी बहुत पीछे हैं। राकेश बेदी जिस बैच में थे उनके साथ उस टाइम सतीश, ओमपुरी, सुरेश ओबेरॉय, सुधीर पांडे, डेविड धवन, प्रकाश शाह, विधु विनोद चोपड़ा, सईद मिर्जा और भगत कुंदन जैसे दिग्गज थे जिन्होंने आगे जाके फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम हासिल किया। राकेश बेदी पुणे में FTI का कोर्स खत्म करने के बाद मुंबई आए अपनी किस्मत आजमाने। लेकिन वो एक बात पहले से जानते थे कि फिल्म में उनको हीरो का रोल तो कोई नहीं देने वाला और उन्होंने कॉमेडी की तरफ अपना रुख बदला और एक कॉमिक आर्टिस्ट की तरह खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की क्योंकि वो दिल्ली के नाटकों में भी कॉमेडी किया करते थे। राकेश बेदी ने अपना डेब्यू उमेश मेहरा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हमारे तुम्हारे से किया था और वो इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाते नजर आए थे और उनके साथ इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर संजीव कपूर, राखी, अमजद खान, अनिल कपूर जैसे कलाकार थे। फिल्म में उन्होंने सुनील नाम का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि अपनी माँ के दोबारा शादी करने पर उनसे नाराज था। ये फिल्म 1979 को रिलीज हुई थी और इसी साल उनकी और एक फिल्म एहसास रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके साथ शमी कपूर, शशि कपूर, सिमी गरेवाल, अमजद खान जैसे कलाकार थे। इस फिल्म में भी राकेश बेदी ने सपोर्टिंग रोल के तौर पर ही काम किया था। दरअसल एहसास फिल्म राकेश बेदी के साइन की हुई पहले फिल्म थी लेकिन हमारे तुम्हारे फिल्म पहले बनकर रेडी और रिलीज भी हुई। इसके बाद उन्होंने 1980 में रिलीज हुई फिल्म बुलंदी में एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके साथ राजकुमार लीड एक्टर के तौर पर थे और वो फिल्म में कॉलेज प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे। इसके बाद उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म चश्मे पद्दू रिलीज हुई। ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और ये उनके करियर की चौथी फिल्म थी। फिल्म में उनके साथ फारूक शेख, रवि पासवानी और दीप्ति नवल जैसे कलाकार मौजूद थे। फिल्म में राकेश बेदी और दीप्ति नवल पर एक गाना फिल्माया
बनाया गया था जो कि काफी पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म में भी उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट का रोल ही प्ले किया था और उनके रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया था। यह फिल्म इस दौर की इतनी बड़ी हिट हुई थी कि 2013 में इस फिल्म का एक स्पेशल प्रीमियर रखा गया था। राकेश वैद्य की फिल्म चश्मे बदू से जुड़ा एक किस्सा है। दरअसल फिल्म को साई परांजपे ने डायरेक्ट किया था। साई अपने काम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थी। चश्मे बदूर फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही थी। फिल्म में राकेश ने डंडी कट वाली मूंछ रखी थी। इस फिल्म की शूटिंग करने के दौरान ही राकेश एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसके चलते उनको हर हफ्ते 2 दिनों के लिए फ्लाइट से मुंबई जाना पड़ रहा था और उस फिल्म के लिए जो वो कैरेक्टर निभा रहे थे उसकी मूंछ नहीं थी। फिल्म के डायरेक्टर ने राकेश को मूंछ निकालने को कहा। राकेश ने उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और राकेश को अपनी मूंछ कटवानी ही पड़ी। उस फिल्म के शूटिंग के बाद जब राकेश दिल्ली लौटे तो अपने चश्मे बदूर के कैरेक्टर के लिए उन्होंने काले पेन से डंडी कट मूंछ बनाई और फिल्म की शूटिंग करने पहुंच गए लेकिन साई परांजपे की नजर से वो बच नहीं पाए और उन्हें उनकी खूब क्लास लगाई। उसके बाद जब राकेश की मूंछ दोबारा आई तब फिल्म चश्मे बदूर की शूटिंग आगे शुरू की गई। इसके बाद राकेश वैद्य ने कई सारी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाए। उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी 1992 में आई फिल्म तिरंगा। फिल्म में वो खबरीलाल का रोल निभाते हुए नजर आए थे। ये रोल उनके फिल्मी करियर में निभाए हुए सबसे यादगार रोल में से एक है। फिल्म में वो पुलिस के खबरी बने हैं और वो उनके हर सीन में ऐसा डायलॉग बोल रहे थे कि जैसे मानो कोई टीवी पर खबरें पड़ता है। उनका निभाया ये रोल लोगों ने काफी पसंद किया था। राकेश वैद्य ने अपने फिल्मी करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और आज तक भी वो फिल्मों में एक्टिव है। उन्होंने हिंदी ही नहीं बल्कि गुजराती, पंजाबी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। राकेश वैद्य अपना फिल्मी करियर शुरू करने के 5-6 सालों में ही इंडस्ट्री में जाना माना चेहरा बन चुके थे। उन दिनों दूरदर्शन पर भी काफी अच्छे शो आ रहे थे और दूरदर्शन भी काफी पॉपुलर हो रहा था लेकिन फिर भी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स टीवी पर काम करना पसंद नहीं करते थे और ऐसा ही कुछ राकेश वैद्य के साथ भी हुआ था। राकेश वैद्य को ये जो है जिंदगी नाम का शो ऑफर हुआ था और वो बहुत कंफ्यूज थे कि वो टीवी पर काम करे या ना करे। लगभग 1 महीने तक वो ये सोचते रहे। उन्हें कई लोग कहते थे कि तुम फिल्मों में काम करते हो और अगर तुम टीवी पर काम करोगे तो फिल्मों के ऑफर आने कम हो जाएंगे और कुछ लोग टीवी पर काम करने की सलाह दे रहे थे। इसी दौरान उनकी एक फ्रेंड ने उन्हें कुछ किताबें पढ़ने दी। उन किताबों में अमेरिका के टेलीविजन स्थिति के बारे में लिखा था। उन दिनों अमेरिका में टेलीविजन काफी पॉपुलर हुआ करता था। उस दौर का हर हॉलीवुड स्टार टेलीविजन में काम किया करता था और इसी से राकेश वैद्य ने भी टेलीविजन पर काम करने का मन बना लिया और ये जो है जिंदगी शो के लिए हाँ कह दी। शो की शूटिंग शुरू हुई और ये शो जब टीवी पर टेलीकास्ट हुआ तो 1 महीने में ही राकेश वैद्य की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर कोई उन्हें पहचानने लगा। जब भी वो बाहर जाते तो लोग उन्हें घेर लेते थे और उनसे ऑटोग्राफ मांगते और बाद में एक ऐसा वक्त आया कि जब भी राकेश वैद्य अपने किसी काम से बाहर जाते तो अपनी पहचान छुपाने के लिए रुमाल या ऐसे किसी चीज का इस्तेमाल करते थे। राकेश वैद्य का श्रीमान श्रीमती शो भी काफी हिट हुआ था। शो में उन्होंने दिलरुबा जी का रोल प्ले किया था जो कि एक ऐसे इंसान का था जो थोड़े अलग ढंग से चलते हैं और अलग बोलते हैं। शो में उनके अपोजिट अर्चना पूरन सिंह थी और साथ ही साथ रीमा लागू और जतिन कनकिया भी थी। ये शो दूरदर्शन पर 1994 से 1995 तक टेलीकास्ट हुआ था और ये अपने दौर का बेहद पॉपुलर शो हुआ करता था। एक इंटरव्यू में राकेश वैद्य ने बताया था कि उन्होंने दिलरुबा जी के कैरेक्टर को कैसे तैयार किया था। दरअसल वो अपनी पत्नी के साथ उनकी पत्नी की किसी सहेली की शादी में गए थे। उन्हीं दिनों वो दिलरुबा जी के कैरेक्टर के लिए तैयारी कर रहे थे। शादी में उन्होंने अपनी पत्नी की सहेली के हस्बैंड को देखा तो उन्हें लगा कि दिलरुबा जी के कैरेक्टर को ऐसे पेश किया जाए तो काम बन सकता है और उन्होंने ऐसा ही अंदाज में उस कैरेक्टर पर मेहनत की। और जब श्रीमान श्रीमती शो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ तो लोगों ने दिलरुबा जी के कैरेक्टर को काफी पसंद किया। राकेश वैद्य ने कुछ नाटक भी लिखे हैं। उनका लिखा नाटक मेरा वो मतलब नहीं था काफी पॉपुलर है। इस नाटक को देश विदेश में 800 से ज्यादा बार परफॉर्म किया जा चुका है। इस नाटक में अनुपम खेर, नीना गुप्ता और राकेश वैद्य ने काम किया है और उन्होंने इस नाटक को खुद ही डायरेक्ट भी किया है। उनके लिखे दूसरे नाटक है बीवी ओ बीवी और शिमला कॉफी हाउस और उनको किताबें पढ़ने का भी काफी शौक है। बात करें उनके पर्सनल लाइफ के बारे में तो उन्होंने आराधना बेदी से शादी की है। आराधना पुणे के रहने वाली है और FTI के दिनों से ही उनका रिलेशन था। उनकी 2 बेटियां हैं
उनके बड़ी बेटी का नाम है रिद्धिमा बेदी जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट देखती है और उनकी दूसरी बेटी रितिका बेदी एक्टर है और कई शो और नाटकों में काम कर चुकी है और वो अपने पिता के साथ भी कई नाटकों में नजर आ चुकी है। राकेश बेदी शुरू से ही थिएटर करते आए हैं और उम्र के इस पड़ाव में भी राकेश बेदी थिएटर और फिल्मों में एक्टिव है और साथ ही साथ टेलीविजन सीरियल में भी वो काम करते हैं और वो कहते हैं कि उनसे जब तक हो सकेगा वो एक्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये पेशकश और राकेश बेदी की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।